हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में अब सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खुदा की सपाक पवित्र हजूरी में विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हालेलुया, रोजाना की तरह आप लोगों के लिए हाजिर हैं आज शाम की प्रार्थना में, और मेरा विश्वास प्रार्थना को सुनने के बाद आपके जीवन बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे, इन जीजस नेम आमेन। प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन लेंगे, आप भी मेरे साथ निकाल सकते हैं इस वचन को, आप भी निकालिए मेरे साथ। थैंक यू जीजस, 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 थैंक यू जीजस। इब्रानियों की पुस्तक उसकी 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ टाइम की समय की बात होती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गवाहियों को लेना चाहते पर उन्हें मिल नहीं पाती, उसमें परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर कहता है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर चढ़े। मतलब हिसाब बांध का मतलब दिलेरी रख के हमें चलना है, हमें मतलब समय का वेट भी करना है कि अगर गवाही नहीं मिल रही तो हमें बोलना, अपने आप को समझाना कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, पर हमें प्रभु के साथ हिसाब बांध कर चलना है। ढीले नहीं हो जाना, मेरी मुझे गवाही क्यों नहीं मिल रही, सबको मिल रहा है, सबके काम हो रहे हैं, सब छूट रहे हैं, सब आजाद हो रहे हैं, मैं ही क्यों आजाद नहीं हो रहा, मैं ही क्यों नहीं छूट रहे हैं। क्योंकि प्रिय भाई बहन वचन कहता है जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी भी सूखा नहीं रहता। अगर आप अपने द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष कर रहे हो, सुसमाचार दे रहे हो, लोग उस सुसमाचार को सुन के बड़ी बड़ी गवाहियों को ले रहे हो, तो आपको गवाही नहीं मिल रही, डोंट वेरी, आपका टाइम भी आएगा, आपका भी टाइम आएगा। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह का सिंहासन किसका है, हमारे परमेश्वर का, उसके निकट हमने क्या करना है, हिसाब बांध कर खड़े हो जाना है। हमने अपना आपा नहीं खोड़ना है, अब हमने वेट करना है कि हमारी भी गवाही सो रहा है। हमें परमेश्वर के सामने जिद नहीं करनी, प्रभु तू काम मेरे और देखता क्यों नहीं है, हमें जिद नहीं करनी, बल्कि हमें हिसाब बांध कर खुलो जाना है। उस हिसाब बांध में हमें क्या करना है, हमने प्रार्थना करनी है, हमने उपवास करनी है, हमने अपने टाइम का इंतजार करना, आत्मा में होके हमने इंतजार करना, कुड़कुड़ा के हमने इंतजार नहीं करना, हमने प्रार्थना के साथ अपनी वारी का इंतजार करना है कि हम पर दया हो, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, और हम वो अनुग्रह पाए जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। क्योंकि कभी कभार हमारी गवाहियां हमारे इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि उस गवाहियों को लेने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्योंकि जो गवाहियां प्रभु हमारे लिए देने वाला वो बहुत बड़ी होगी, हमारे सोचने से भी ज्यादा वो होगी, तो सोचने से ज्यादा होगी तो परमेश्वर हमें उस लायक बना रहा होता, जब वो हमें गवाही नहीं दे रहा होता तो उस लायक हमें कर रहा होता है कि हम उस गवाही को लेने के लायक बन जाए। वैसे वचन पढ़ेंगे, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिसाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, वो अनुग्रह पाए जो परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता, हम उस अनुग्रह को पाए और जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, उस अनुग्रह को पाएंगे जो हमारी कंडीशन को देखकर हमारी सहायता होगी, हमारी मदद होगी। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है, हर वो सुख आपको देना चाहता जो आप अपने जीवन में लेना चाहते हो, आप जिसकी डिजायर रखते हो वो मेरा परमेश्वर देना चाहता है, पर जो आप मांग रहे हो वो आप मांगने से ज्यादा है। इसलिए प्रभु आपको उस लेवल पर लेके जा रहा है पहले कि आप सीख जाओ कि जो गवाही आपको मिलने वाली हो आप उसको मेंटेन कर सको, और इस गवाही के द्वारा बहुत सारा फायदा आप ले सको और दूसरों को भी फायदा दे सको। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है, परमेश्वर के निकट क्या करना है, हमें हिसाब बांध कर खड़े हो जाना है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं हमें ये बिल्कुल नहीं कहना कि प्रभु क्यों नहीं होता मेरा काम, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के निकट हिसाब बांध कर बैठना है, हमें दृढ़ रहना है, हमें हो सकता है चेक भी किया जा रहा हो पर हमें उस चेकिंग में पास होना, फेल नहीं होना है, हमें प्रभु से बहुत कुछ लेना है। अगर वो सबको दे सकता है पर आपको और मुझको क्यों नहीं दे सकता, हम भी उसी की बेटियां और बेटे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहन, हिसाब बांध कर हमें क्या करना है, परमेश्वर के निकट खड़े और अड़े रहना। हालेलुया। आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। और फिर से निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है जब आप ये काम कर चुके हो।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस मेरे पिता, तू जो आशा का दाता है पिता परमेश्वर, तू जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला हमारे जीता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, हम सारी महिमा सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु जी आपके नाम को देते हैं और सदा देखते रहेंगे पिता। जैसे तेरे वचन में हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर तेरे निकट खुदावंद हम क्या करें, हिसाब बांध के खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर, ताकि जो दया प्रभु आप हमें हम पर करने वाले हो, अनुग्रह करने वाले हो, हम उस अनुग्रह को ले सके पिता परमेश्वर। खुदा हमें सिखा प्रभु और अपने जैसा बना पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता बिना कुड़कुड़ाए पिता बिना कुछ बोले प्रभु हम हिसाब बांध कर खड़े हो जाएं बड़ी गवाही बड़ी ब्लेसिंग को लेने के लिए पिता। पिता मैं इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी, जो अपनी गवाही का इंतजार करे, छूटना चाहते, रिहा होना चाहते पिता, चाहे वो दुष्ट आत्मा से हो, चाहे बीमारियों से, लाचारियों से, गरीबी के शरापों से क्यों ना प्रभु जी, बंधन है पिता परमेश्वर, घर में ब्लेसिंग नहीं आ रही पिता, काम नहीं बन रहे पिता परमेश्वर, इन सब के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आए प्रभु, तेरी दया इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, ये हिसाब बांधकर खड़े रहे और पिता उदारता से प्रभु परमेश्वर खुदावन तेरे पिता परमेश्वर खुदा बड़े हाथ को देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दाहिना हाथ तेरा बड़ा हाथ इनके जीवन में बड़े बड़े अजीब अचंभे काम करे, ये छुटकारे को देखे, ये आजादी को देखे, दुष्ट आत्मा इनके शरीरों को छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा इनके घरों को छोड़ के जाए, दुष्ट आत्मा इनके परिवारों को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर्थ्य में दुष्ट आत्मा वंशों के शरापों से निजात इन्हें दे यीशु मसीह के सामर्थ्य में प्रभु यीशु राजा, तेरा नाम इनके घरों में चमके, तेरा नाम इनके शरीरों में महिमा पाए, तेरा नाम पिता परमेश्वर खुदावन इनके घरों में ऊंचा हो पिता, तेरा नाम महिमा पाए इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं सारी महिमा सारा इज्जत सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को देती हूँ और सदा सदा देखती रहूंगी, मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, सब बोलो आमेन हमें हमें। अगर विश्वास है तो आपने इस प्रार्थना को सुना और वचन को ग्रहण किया, आप छूट चुके हो, गवाही के साथ खड़े हो चुके हो, प्रभु आपको आजाद कर चुका है, फ्री कर चुका है, ये मेरा विश्वास है। आपने अपनी गवाही को देना नहीं भूला, इस नंबर पर आपने अपनी गवाही देनी है, टेस्टमनी भेजनी है कि कैसे प्रभु ने आपको दुष्ट आत्मा से आजाद किया, आपको बीमारियों से रोगों से शिफा दिया मेरे परमेश्वर ने, हालेलुया। और आप लोगों से एक निवेदन हो रहा है, अगर आप हमारे चर्च के लिए ऑफरिंग जब बीज देना चाहते हैं, यही नंबर जो टेस्टमनी नंबर है, यही गूगल पे नंबर है, कृपया इस नंबर पर अपने सेवा को भेजना, नहीं छोड़ना, अपनी सेवा को जरूर भेजना, ताकि जितना भी सामान हम लेने वाले हैं वो आपकी सेवा के द्वारा हम ले सके। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस कर चुका है।